क्या करना है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ ए पी 38, 13, 253। ठीक है, तो जो गिवेन ए पी है लास्ट से 20 टर्म फाइंड करना है। एग्जांपल में था क्वेश्चन ये, लास्ट से कैसे फाइंड करते हैं, दो मेथड थे करने के। ए पी क्या है, 38, 13, 253, फर्स्ट टर्म ए है, 3 है और डी निकालेंगे तो 5 आ रहा है। ठीक, एग्जांपल याद आ रहा होगा कौन सा एग्जांपल था, तो एग्जांपल नंबर 8 था। एग्जांपल नंबर 8 में ये किए थे हम लोग। ठीक है, तो अल्टरनेट जो सोल्यूशन है एग्जांपल नंबर 8 में उसने कहा था, इसमें ये बताया गया था आप इसको क्या करिए, लास्ट से निकालना है तो सीरीज को उल्टा कर दीजिए, आपको ए और डी की वैल्यू चेंज हो जाएगी और लास्ट से आप निकाल लेंगे 20 टर्म। वो बेस्ट था। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 5 है, जब इसको रिवर्स कर देंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे, तो ए की वैल्यू 253 और डी का साइन चेंज हो जाएगा, डी की वैल्यू 5 की जगह -5 हो जाएगा। फिर वही आप फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी का फार्मूला यूज़ कर लीजिए, उसमें ए की जगह ये रख दीजिएगा, डी की वैल्यू आप -5 रख दीजिएगा 5 की जगह। तो ये तरीका था। दूसरा क्या तरीका था, ठीक है, ये 20 टर्म है, ये लास्ट टर्म वो फर्स्ट टर्म से कौन सी पोजीशन पे आएगा, तो मैंने ये समझाया था वहाँ पे एग्जांपल में कि आप 20 टर्म बताना है तो अब उन जो माइनस करना है आपको टोटल टर्म में से, सबसे पहले टोटल टर्म फाइंड कर लीजिए ए एन के फॉर्मूले से, और टोटल टर्म में से आप 20 टर्म मत माइनस कीजिए, 20वां तो बताना है आपको, 19 टर्म माइनस कर दीजिए उसमें से, आपको पता चल जाएगा कौन सा पोजीशन है ये फर्स्ट टर्म से। तो ये दो मेथड है, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे कर लीजिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो ए पी वो लिख लीजिए, कितना है 38, 13, 253। ठीक है, फर्स्ट टर्म इसका कितना है 3 और कॉमन डिफरेंस 8 - 3 हो जाएगा 5, इसमें से माइनस कीजिए 40 आ जाएगा 248। ठीक है, ये आ गया। यदि आपको लास्ट से कोई भी टर्म फाइंड करना है तो ये लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना लीजिए, ऑर्डर चेंज कर दीजिए, ए पी का जो ऑर्डर है वो चेंज कर दीजिए, 253, 248 एंड सो ऑन, 13, 8, 3। जो एग्जांपल हमने अल्टरनेट सोल्यूशन उसे हम कर रहे हैं, ये हो गया, और तब ये लास्ट टर्म आपको फर्स्ट टर्म बन जाएगा। अब जो कॉमन डिफरेंस है वो देखिए कितना आएगा, अभी ए वन हो गया, ये ए टू हो गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, -5 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -5। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, ये -5। ठीक है, यही चीज़ हम समझा रहे थे। तो क्या निकालना है, 20th टर्म from the last term। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए पी इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो जो ए एन हम लोग लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी, इसके लिए नहीं लिखना है, इसके लिए लिखना है। इसका जो ए एन है, ए प्लस एन माइनस वन डी है। तो यहाँ हुआ क्या क्या, यदि हम ए एन निकालना चाहते हैं फ्रॉम द फर्स्ट टर्म तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, और इसका इसमें ये भी लिखना है, एल लिख लीजिए लास्ट टर्म, एल इज इक्वल टू 253। तो जब हम कोई भी एनथ टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म निकाल रहे हैं,
तो अभी एन एच वन फ्रॉम द लास्ट टाइम निकाल रहे हैं, तो फार्मूला चेंज हो रहा है रिवर्स ऑर्डर करके, तो लास्ट टाइम उसे फर्स्ट पोजिशन बना रहे हैं और डी का साइन चेंज हो जा रहा है, जिसकी वजह से रिवर्स ऑर्डर करने से डी का साइन प्लस फाइव से माइनस फाइव आ रहा है। तो फार्मूला जो बन रहा है 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, फार्मूला देखिए यहाँ बना रहे हैं nth टर्म, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है। ये निकालना जब भी रहेगा तो लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बनाएंगे l, ठीक है। n की वैल्यू नहीं चेंज होगी, जो पूछा है वही पूछेगा। d का साइन चेंज हो जाएगा, d पॉजिटिव था तो ये हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से ये फार्मूला साइड बुक में आपको मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में अल्टरनेट किया है लेकिन फार्मूला नहीं बताया है, ठीक। तो जो हमें ये 20 टर्म फॉर्म फाइंड करना था, तो एल की वैल्यू 253 माइनस 20 माइनस 1, डी की वैल्यू 5 हो गया ये। सो सॉल्व कर लीजिए, 253 ये हो जाएगा 19 इंटू 5, 253 95, ठीक है। ये हो जाएगा 8 1495 1, कितना टर्म आ गया, 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज 158 आ गया, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसमें क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, कि ये पूछे, कभी कभी आपसे पूछ सकता है लास्ट टर्म से जो पोजीशन 20 टर्म है उसकी पोजीशन फर्स्ट टर्म से क्या होगी, ठीक है। इसकी पोजीशन फर्स्ट टर्म से क्या होगी, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक। तो करना क्या है, इसके लिए आप सबसे पहले आप तो टोटल टर्म फाइंड कर लीजिए, ये अल्टरनेट मेथड से हमने सॉल्व कर दिया। अब हम इसको जो पहला मेथड था एग्जांपल का उससे सॉल्व करने जा रहे हैं, एन निकालेंगे, ठीक है। अब जो सॉल्व करने जा रहे हैं सेकेंड मेथड से, इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये जो 20 टर्म है लास्ट टर्म से इसकी पोजीशन फर्स्ट टर्म से क्या होगी, ठीक है। इससे हमें एग्जैक्ट एन की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो ये देखिए, तो ए पी यही रहेगा 3, 8, 13, 253, ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू हो गया 5, ए एन लास्ट टर्म ए एन ले लिया हमने 253, ए प्लस एन माइनस वन डी 253, 3 प्लस एन माइनस वन डी की वैल्यू 5, 253 माइनस 3 एन माइनस वन इंटू 5, तो हो जाएगा 250 एन माइनस वन इंटू 5, तो एन माइनस वन 250 को 5 से डिवाइड कर देंगे 50, तो एन की वैल्यू हो जाएगा 50 प्लस 1 51, एन की वैल्यू हो गई 51। तो टोटल टर्म हमें मिल गया 51, ठीक है। टोटल टर्म हमें मिल गया कितना, 51, ठीक है। लास्ट पोजीशन है 20 टर्म, ठीक है। तो टोटल टर्म 51 हो गया, इसमें से जो लास्ट कितने टर्म है 20 टर्म, उसका पोजीशन अब आप फर्स्ट टर्म से फाइंड करना चाहते हैं, तो 20 नहीं माइनस करना है उसमें, 21 नहीं माइनस, 20 से कम, क्योंकि 20 पोजीशन तो चाहिए, माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो कितना माइनस करेंगे, 20 से एक कम, 20 से एक कम, तो हो जाएगा 51 माइनस 19, ठीक है। तो शुरुआत से उसकी पोजीशन क्या आ गई, 32, कितनी पोजीशन आई उसकी, 32। तो ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, 20 टर्म फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम द लास्ट
विल बी, ठीक है, विल बी 32nd टर्म फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब जो ये 20 टर्म बोला था, अब ए 32 फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? ए 32, ए प्लस एन माइनस वन डिग्री निकाल लीजिए। तो ए कितना गिवन है? 3, एन माइनस वन मतलब 32 माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है? 5, 3 प्लस 31 इंटू 5, ये हो गया 158। आगे सेम आंसर आ रहा है, तो स्टेटमेंट में आप करके लिख लीजिएगा, 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म विल बी 158 एंड इट्स पोजिशन फ्रॉम द फर्स्ट टर्म विल बी 32nd टर्म, ठीक है। ये फर्स्ट में, ये जो दूसरा मेथड इसलिए बताएंगे, पोजिशन बाई चांस आपसे पूछता है क्वेश्चन में, तब तो यही मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा। करने पोजिशन निकालने का क्या तरीका है? टोटल टर्म फाइंड कीजिए, टोटल टर्म में से जो भी पोजिशन लास्ट टर्म से दिया हुआ है उसमें से एक माइनस कर दीजिए, फिर उसको माइनस करिए, ठीक। साइड बुक में इस तरह से मिल जाएगा आपको। तो यदि सिर्फ आपको टर्म पूछता है लास्ट टर्म से, तो ये जो मेथड पहला वाला बताया वो इजी पड़ेगा, इसे कर लीजिएगा। और उसमें पोजीशन पूछता है फर्स्ट टर्म से, तब अभी सेकंड टर्म वाला करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए, सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एपी, ए 4 और ए 8, 24 है, सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म इज 44, फाइंड द